और आज की लाइव शूटिंग वर्मा स्टूडियो पल्लू डायरेक्टर धर्मवीर कुमावत कणकिणी मन कुंजरा अदड़े पंख गज चार जगर पड़ी उजाड़ में ओ दाता देवण हार समय करे नरके करे और समय बड़ी बलवान भीला लूटी गोप का भाई बे अर्जन बेबाण सजनो संपूर्ण रात्रि में नाथुदा देरी कथा गाई जसी नया भजन गाई जैसी डीजे ट्रैक का भजन गाया जैसी ऐ भजन मैं विशेष करके बूढ़िया वास्ते गाणो चाहूं क्योंकि अंग तो बिचारा गए जागण में एक दो भजन ही पल्ले पड़े करके कोई थाल देगा नहीं है तो ठाको नहीं बाकी मान तो चौधरी जी पांच ही भजन गाण दिए धन्यवाद हो गांव सोनिया सर ने जो इतनी तार थे कहो कोनी और छठे भजन में कई बूढ़ी आके सिर गिर गए बेटा नाक लपेटा आण दी नहीं गलत भाई हो रही है दिन के की समय को भजन आप ध्यान से सुनो सजनो आपने शास्त्र के हिसाब चार युग हुआ चार सुनीता जी से निवेदन स्टेज पे पधारे चार युग सर्वे प्रथम युग आयो सतयुग बिंगे बाद में त्रेता बिंगे बाद में द्वापुर और अब चाले है कलयुग 40,000 वर्ष को सतयुग 30,000 वर्ष को त्रेता 20,000 वर्ष को द्वापुर और 10,000 वर्ष को कलयुग तो आचार्य युगा में समय किया जन्म लेवे और के अपनी रामसभा सुने बोलिए नाथुदा दे महाराज की चलो भैया सुना साथ साथ में राम वाह भाई हमें अठे ही राखी जो इन पहिए के साथ साथ में भाग बदली तागे जिसम काए के भैया चलता है समय काए के भैया चलता है सजना सत्यवादी हरिचंद हुए अरे हो काशीपुरी में बिके मातरंग घरी राजा नीर विलास भये पर बिक गई इंसान बदली तागे जिस समय काए के भैया चलता है समय काए के भैया चलता है यो सुनना आप सभी मत कर बेर अभिमान रे बंदा
मत कर बेर अभिमान रे बंदा, भगवान बदलता गे जिसम गाए गे भैया चलता गे वो समय का भैया चलता बोलिए नाथ दादे महाराज की जयकारा लगे जोरदार से बोलिए जगदम्ब भवानी की। सजनों सतयुग त्रिशंकु का पुत्र सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पिता को नाम त्रिशंकु अरे माइता में सत्यवादिया सत पर गर्दन कटवामता जगह दिन भगवान ही आम तो आजकल सत्यवादी आप ही गणाई हाँ जे मैं बीड़ी वे बोलू भाई जी बीड़ी पहे बोली बिया बीड़ी ने मुँह का ही नहीं आला दिन सतपत हो क्यों। दूसरी अपनी संस्कृति अपने गाँव में ब्यास आओ उन तो नहीं जने बाया माया गणेश जी ने मनावती माता जी ने मनावती टेम का बनड़ा उनता भजन उनता आजकल सुनो के कटाई ब्याह हुआ जना 15 दिन गरड़ो कोर्स हुआ पड़ोसी की बड़ लाग जी क्यों झोटा लिया बन दिए क्या तू शोर बता अब आ हरियाणा हुआ गए ब्याह गेड़ो भाई जी स्टेज के डिस्टर्ब ना करो इना जो भाई जी इना जो तो बीआईपी घर में बनड़ा कौन गावे बीननी बदारन लो टाइम है जने के डीजाणन बुला लियो बिने तो छोरी गाड़ी ऊपर नीचे दियो बिने डीजाड़ा गाणो लगे बोले बिजली खटे पड़े ली रे बिजली खटे में क्यों भाई जी आ तो ठई पड़सी खटे पड़े ली रे बिजली खटे में क्यों भाई जी आ तो ठई पड़सी इया किया तो भाई जी 11 बजे को मोर तो थे 3 बजे तक गली में लेखड़े जने बिजली पड़सी मान मर्यादा चला गया है नमस्कार हाथ मिलाकर झटका मारे थैंक यू बोले बारंबार राम जी वालो नाम गयो अब रहिए थैंक यू पुराना नाम बढ़िया पुरानी संस्कृति बढ़िया आई अरे पुरानी संस्कृति ने आपा लोग ना उड़ कौन सका। एक दिन जागरण में बैठे एक भाई कहो भाई जी राम है कौन मैं क्यों किया बिया बोलियो आदमी तकड़ो क्यों मैं क्यों आदमी कह कर दियो बोलियो पत्ताड़ में पानी काट दियो लाइट बना दी हवाई जहाज बना दी तो मैं क्यों हवाई जहाज बना के खांगी कर दी है तो देवता का पुष्प विमान पहला ही भगता भगवान ने ना बढ़िया कौन है जो भगवान वाली चीज वाली बनाई चीज बुद्ध है जिया एक गा लियाओ बिंगी सेवा करो बा बिया बिहार गड़बड़ दी बिन भगवान बनाई है आपनी बनाई माइता मिट सके बाकी बद्दे गोनी हर जी आपनी बनाई थी बद्दा हरनी तो आपा जोर मार मनाइए मोटर गाड़ी ही आपनी बनाई थी बद्दा हरनी तो नूई पिक पिया मार जन कई साल बचे पिक पिया फिरार गया मना नना बेकार मार डूंगर कर ना जाइए बड़ी कृपा करके रहना दयालु दाता है रजुगो मान खा दे दियो है सत्संग में आना चाहिए जागरण में आना चाहिए और जिते अपनी रुचि हुए ये सनातन धर्म की मर्यादा की बात है और जिते ही परमात्मा को ध्यान करना चाहिए। भजन सुने कौन है एक कड़ी गावा इतना लारे बैठे हुए हाँ क्या कालिया घर चला क्यों रात काली करा तो घर जार धोड़ी धप कर दी तू एकदम बोलिए नाथ दादे महाराज की। दूसरी कड़ी में कवि कह लिखे है चलो भैया त्रेता युग के बीच में सजना राम लखन से वीर हुए सीता अरण मरण दशरथ का बन बन राम फकीर भये पति रावण ले गयो हनुमान से दास भये बड़े बड़े वा मर गए सूरवा बड़े बड़े वा मर गए सूरवा
शान बदली तागे जिस समय गाए के भैया चलता है समय गाए के भैया चलता है यो मत कर बेर अभिमान रे बंदा ये समय बदलता है जिस समय गाए गे भैया चलता है वो समय का भैया चलता बोले नाथ दादे महाराज की सजनों दूसरो युग राघवेंद्र भगवान रामचंद्र जी दशरथ जी के घरे जन्म लियो। दशरथ जी एक दिन शीशो देखा जुलूफ में एक धोड़ो बाल दिखाई दियो। मन में सोचो वाह प्रभु होस्ते आ गई अरे जे हुए तो मैंने राज अभिषेक राम को कर देना चाहिए क्योंकि मो भी बेटो है। आदमी की उम्र आज ये नहीं जना कुंची पोता बेटा का नहीं बात देनी चाहिए। पर चौधरी जी वो तो टेम अलग हो आजकल दे बात दे तो बहुत सगी गिनी जे हाजी भगवान रामचंद्र जी को उड़ो राज तिलक को वशिष्ठ जी ने बुलाया गया। वशिष्ठ जी लगन क्या देखो राज तिलक को एरा कर्म छया कूदर पड़ी जना भगवान ने 14 वर्ष को वनवास हुए। भरतार पूछो कुलगुरु वशिष्ठ जी ने हे महाराज थे इया किया लगन देखो। वशिष्ठ जी बोला मेरे पर लाल पीड़ो ना हो क्यों कि भरत भावी अपर बल बिलखत के मुनि नाथ जस अपजस जन्म मरण ओ लिखो विदाता हाथ। मैं तो अब लिखड़ी मचा थन दैया मारकन की है। महावीर बजरंगबली रावण के नाने को नाम माल्यवान हो बहुत बड़ो विद्वान हो बन क्यों हे रावण तू बेर करे बन थन था के अगली पाल्टी कुण है। रावण हाथ जोड़ क्यों हे नाना मन अच्छी तरह ठा है कि नर के भेष में नारायण आए और राम खुद नारायण है पर मन एक बात की खुशी है कि मेरी मृत्यु की हाथ हुआ है साक्षात नारायण का हाथ तो ईसा दिन मन घटपड़े है। सजनों सेवा करनी आए गए की सेवा करनी मां बाप की सेवा करनी सासु ससुरे की सेवा करनी पति की सेवा करनी ये धर्म है। पर सेवा करे क्योंकि सेवा अपने डील की गाँव है। लॉकडाउन टूटो टूटते या भाईला विचार करो बोलो अरे हरिद्वार चला नान कर रहा जना छोरा जाए जने बीन नहीं जाए कई भूलना देख बोली बेटा हरिद्वार मरिया दिखाड़ छो जीमत्या नहीं दिखाड़ दियो एक बसड़ी भाड़े और करीबी में भूल बैठ गई। अब बस में चढ़ते ही कंपटीशन हुयो एक डोकरी ड्राइवरी ने देख रे बोली बेटा बस ने चाप दे लंबी कर दे क्यों बोलियो वीर ने उलारे नहीं रही जा ईसो ही वो ड्राइवरी हो जी रोत को आगे टिपते ही अरे बसड़ी ने ताई वो दो लोग खिंड गयो भूल लेगा रोड पर ओटनिया ओटनिया पड़िया जना बिरानी खेत में काचर पड़े है लारू बींद नहीं बस साई बेकूक की बोले सासुए इसी का जानी है क्या मैं बड़गीर क्या मैं निकल गिर एक जो कबा मैं बोली नहीं रे बे सागली बोले के होगी माली सासु का नहीं किया क्या हम करे ठीक है बूढ़ी मरगी पांचो अगली घी में सिर कड़ाई में आपी पोशा आपी खाशा बात जो को बोली रे गानी बोले माली सासु का नहीं गए रोनती रोनती कह रंडो ना छड़ो बोलो क्यों बोलो मैं घरे रहेगी है बोलियो मेहंडी करे रहेगी आज जैसा गया हजार तो पापा भी कोई कट जा तो सेवा आओगी साहब आज तो पालो भाई बड़ा आनंद ले रहे हैं। बोलिए नाथ दादे महाराज की तीसरा युग में कवि के लिखे चलो भैया
श्री कृष्ण पाप और पुण्य ताकड़ी तोलो। कवि ने क्या लिखा, अरे द्वापुर युग कहे बीच में सजना कौरव पांडव युद्ध लड़े, अरे भीष्म कर्ण भीम बलदानी भाई रे पिता भीष्म से युद्ध लड़े। क्या बात, अरे द्रौपदी का खप्पर चाला चक्र चला प्रभु का भारी रे, बड़े बड़े वा मर गए सूरमा, बड़े बड़े वा ओ अरे बड़े बड़े मर गए सूरमा, इंसान बदली तागे जिस समय कहे के भैया चलता है, समय कहे के भैया चलता है। जग में इंसान बदलता है जिस समय का भैया चलता है, वो समय का भैया चलता है। बोले जगदम्बे भवानी की, भजन बढ़िया लाग रही हो तो पीछे तक जयकारो लगो। बोले नाथ दादे महाराज की जय हो। सजनो तीसरो युग भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़ के कौरव ने कहे, कौरव थारू हाथ जोड़ एक प्रार्थना करूं, पांच गांव और मांगिया पांडवा ने दे दियो, घरोगरी में लड़ाई ना करो, दवेश बहुत माड़ी चीज हुए, खिसा खिसा गांव मांगिया, काशी और कश्मीर दे दियो, पूना शेर सितारा अजी पांच गांव पांडवा ने दे दियो, बाकी मुल्क तुम्हारा सोई राख लिया। दुर्योधन क्यों कृष्ण तू ग्वाली है, तेरी उम्र में गाच राड़ी है, मैं बगैर युद्ध करे बगैर सुई की इनी टिकई थी भूमि को दियो, जना संग्राम 12 दिनों को युद्ध हो सा भूरी सर्वा अश्वत्थामा करण विकर्ण सल्ले बड़ा बड़ा वीर आ जका काम आ गया, तो अपनी औकात की है। अरे तेरा कहां गया बलवान, तीन बार धरती तोलनिया जिनकी पड़ती धाक नहीं गोसामा बोलनिया, नाथू दादे जेड़ा वीर आ जका हजार हजार आदमियों को सामनो करियो, एक बाले की इणी हूं एड़ा ही रेया कौन भाई, गुमान मत करो, ओई तो भगवान को सुदर्शन चक्र है और वही ज्वाला भी भगवती के हाथ में खपर है, आपन के नकी गोनी है, राम जी को नाम लेओ बिंगो कल्याण है, परमात्मा को नाम लेनो शुद्धता बिम कल्याण है, वरना कहीं गोनी तो नाम तो पहला नाम था, अरे जे पहला राम को नाम नहीं लेता नहीं तो नाम का सगा आ जाऊं। तो एक समय अगस्त्य मुनि समुद्र में स्नान करा, एक उत्पाती जीव कपड़ा ले गयो, अगस्त्य मुनि 7 दिनों तक समुद्र में आ ध्यान सुनिया, द्रौपदी देख रहे गुरु भगवान है, आ 7 दिन का समुद्र में पानी में कह लिए गुरु भगवान थे, अगस्त्य मुनि कहे हे बेटी द्रौपदी मेरा शरीर पर वस्त्र को नहीं और बगैर वस्त्र में पानी उबारे कूक रहा हूं, द्रौपदी आपको आधो चीर पाट दे लियो गुरु भगवान, ये महाभारत की बात है, और चीर पैर गिर पानी उबारे हो, अगस्त्य मुनि आशीर्वाद दियो हे द्रौपदी, ए बेटी आज ते मेरी लाज बचाई है, जा बेटा भगवान कदी तेरी लाज बचा सी, सभा में चीर बढ़ायो को बढ़ायो, अब जे आजकल माने मिल जाए अगस्त्य मुनि तो कह दिया क्यों मान ली पेंटा में फिक्स फिक्स नावड़ा है, पुराणियों को नाम ठीक हो, थारो नाम के हेमाराम पुरखाराम लालाराम ज्ञानाराम आराम का नाम शोकानी है, ओ राम को नाम आदमी के लारे ई वास्ते जुड़के रावे का कत्तो ही मूर्ख आदमी हुए, अरे वो राम को नाम नहीं लिए, दिन में 5 हेला मारे भाई ज्ञान राम उरिए तो 5 नाम तो राम का सगा आ गया, अब्बा जी गए
टाबर जामे जना दादा ने बुलाया दादा छोरा को नाम राखो दादो शास्त्रु रखे कभी नाम तो यूं फलाना राम है जने छोरा के रंडो ईसो के नाम है ईसो दादा रंगो तो कोई नुओ रखो जना नुओ रखे चिक्कू पपीतो सेव एक अंतो जो कोई गयो नाम आदमी को एड़ो होना चाहिए नाम की अब जो नाम भाई जी सीताराम तो नाम ले कल्याण है नहीं तो कह नहीं वो कोई गली में या बारह एक बजे कोई खंग खंगो बगो बने पूछो बोलियो कुण बगैर है बोलियो जियो वो बोलियो भी आई जियो ही ना तो मर जाओ है चौथा युग जो को कलयुग इंगी कवि के महिमा लिखे है बलिए नाथ दादे महाराज की चलो भैया ध्यान से सुनना आप ये कलयुग की बात है सिर सिर मौत निशानी है अरे जू चावे के तू ही मर जोरे ईश्वर नाम सच्चाई है यो मुस्ताक भाई अरे गौ माता जी कदर बिगड़ गई लड़ रहा भाई भाई गए अरे आपस में मुंडे नहीं बोले सजनों माँ का जाया भाई गए दुनिया में इंसान बदलता है जिसमें का भैया चलता है वो समय का भैया चलता है सोनिया सरधाम की जय हो चौथो युग कलयुग अरे कलु काल का चक्र है बंदा सिर सिर मौत निशानी है अरे जू चावे के तू ही मर जो ईश्वर नाम सच्चाई है गौ माता की कदर बिगड़ गई सजनो अपना बूढ़िया जो कहू पांच चीज सम्मी गौन ध्यान देर सुनिया जकी को पतन हो गयो आज जरूरी है पर बा अपने कने कोनी लाल गई पारस गई गयो मणधारी भुजंग सरजीवन बूटी गई जद भारत हो गयो तंग अमरीका भाई जी आपने चौथे हिस्समी गानी पण सम्मी गोनी पांच चीज चार चीज का पतन और उसी गौ जाएगी गोमती भाई साहब अपनी आन वाली पीढ़ी है नी जकी गा नाम की चीज खाली फोटो में देख सी कैसी गाव है करती ये धर्माधर्मी बात है मंच के माध्यम से कह रहा हूं क्यों अपन कदर कोनी आज जिस गौ माता ने हमें दूध पिलाया जिस गौ माता का दूध पी करके हम जवान हुए आ देवता ने प्रसन्न करया जिसके गौ माता के घी आपनो दाग संस्कार हुयो बुजुर्गांगो आज बा गौ माता संकट में है पर सजनों कोई आगे बढ़ गए रे नहीं आ रही है कोनी सही है गलत है बताओ आज भाई जी बे किन गया फलान जी जिंदाबाद
क्यों बा फलान जी ने गाया गी जरूरी कौनी बंग तो डेरी आवे दूध जकी गा आपनो घर चलायो अपना बच्चा पालिया आज बा गौ माता पल पल छिन छिन पग पग पर मर रही है पर इया सुनो के थे धर्माधर्मी बात बताया एक बार देखो टीवी देखो मोबाइल में फेसबुक में खटी सुनी के गावास टीको तैयार हो जाए खटी कौनी है भाई साहब क्यों कौनी है के बा लोगों ने जरूरी कौनी और शास्त्र में जो लिख दिया मेरे दोस्तों वो सत्य है जिसे कोई मिटा नहीं सकता है। कभी हजार वर्ष पहला कह दियो कि गऊ जाएगी गऊ माता आने वाली पीढ़ी अपनी खाली फोटो में देख सी गऊ जाएगी गोमती जाएगी श्री गंग कहे मोर सिंह सुनो सजनो जाए विष्णु की अर्धंग। अगर गऊ माता बंसानी है सजनो माता बहनों ध्यान से सुनो जक्के भाई के घरे गा बीमार है अगर वो एकलो है तो बिंगे घरे जाओ भी गाय की सेवा करो। अरे जिस गौ माता को दूध पी रहा जवान हुआ आज बा गौ माता संकट में है बड़ कोई आगे नहीं आ रही। एक बार उस गौ माता की प्रार्थना के लिए और जोरदार गौ माता का जयकारा लगे जका जका गौ माता जका जका गौ माता ने चावे के हिंदुस्तान में रेवे बोले गौ माता की क्या बात है जी हो सजनो अपना पूर्वज देवता जाट संप्रदाय में पांच वीर हुआ सजनो पांच वीर सर्वप्रथम वीर हुआ जाट संप्रदाय में तेजोजी महाराज जका गायारी बार चढ़िया बिंगे बाद में गायारी बार चढ़ आपरो जीवन दियो जाकर संप्रदाय में वीर बिगोजी महाराज तीसरे वीर हुए हमारे लूणकण सर कने खियाणा गांव में गायारी बार चढ़ और अपना प्राण दे दिया सजनो जकारो नाम नाथु दादू महाराज और चौथे वीर हुए हरियाणा में तार जी महाराज और पांचवे वीर हुए उडू कश्मीर कने मोहन जी महाराज ए पांचों जाट वीर आ सजनो जो गाया ने लिया अपना प्राण दे दिया बोले सूरवीर तेजा जी महाराज की जय हो। अरे गौ माता की कदर बिगड़ गई लड़ रहे भाई भाई है आपस में मुंडे नहीं बोले सजनो मागा जाया भाई है कभी माम चंद के इस दुनिया में भाग बदलता है पर समय का एक पहिया चलता है। भजन बढ़िया लगे तो जयकारो लगाया बोले गौ माता की जय हो।